जय हिंद क्लास टेन स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम यू ऑल इन द केमिस्ट्री क्लास। सो हियर वी आर ऑन द चैप्टर नंबर सेकंड। आई होप दैट चैप्टर नंबर फर्स्ट इज क्लियर टू यू एंड यू आर एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स योरसेल्फ। ओके, सो नाउ सेकंड चैप्टर, लेट मी टेल यू योर, लेट मी रिमाइंड यू अबाउट योर पीटी वन सिलेबस। इट्स फर्स्ट चैप्टर एंड सेकंड चैप्टर हाफ। फर्स्ट चैप्टर दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन कंप्लीट एंड सेकेंड चैप्टर हाफ एसिड एंड बेसिस तक होगा। सॉल्ट हमारा पीटी टू में इंक्लूड, पीटी फर्स्ट में इंक्लूड नहीं है। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द चैप्टर नंबर सेकंड, दैट इज एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। ओके, सो कैन यू सी दैट आई हैव रिटन समथिंग हियर। लेमन, एसिड के लिए मैंने लिखा है लेमन, बेस के लिए लिखा है सोप एंड सॉल्ट मैंने लिखा है टेबल सॉल्ट, जो आप नॉर्मली हम लोग घर में यूज करते हैं, दैट इज द टेबल सॉल्ट। ओके, सो लेमन सोप टेबल सॉल्ट। अब ये लिखने का रीजन क्या है? यू आई नो दैट ऑलमोस्ट ऑल ऑफ यू आर वेरी वेल अवेयर अबाउट ऑल दीज थिंग, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। वी हैव लर्न अबाउट दिस एज चैप्टर इन सेवेंथ क्लास ऑल्सो, बट वहां पर बहुत कम चैप्टर में था। अब हमें थोड़ा डिटेल में एक्सेस पढ़ना है, थोड़ा डिटेल पढ़ना है। सो हियर वी आर, एसिड मैंने यहाँ पे लिखा है एग्जाम्पल लेमन, बेसिस के लिए लिखा है सोप, सॉल्ट के लिए लिखा है मैंने टेबल सॉल्ट। जो आपका लेमन होता है दैट इज सोर इन टेस्ट। कैसा होता है? सोर। जो आपका लेमन होता है दैट इज सोर इन टेस्ट। उसके अलावा आप ऑरेंज भी ले सकते हैं, ओके, आप एप्पल भी ले सकते हैं, विनेगर, सिरका जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। आप जब व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दीज सब्सटेंसेस, दीज फ्रूट्स और एडिबल थिंग्स, ऑल दीज थिंग्स आर स्लाइटली सोर इन टेस्ट। एप्पल को देखा होगा आपने, बहुत कम सोर होता है टेस्ट, होता है हल्का हल्का, कभी कभी खट्टा होता है, स्लाइटली सॉर, बट लेमन ऑरेंज एंड विनेगर दे आर स्लाइटली सॉर इन टेस्ट। ये थोड़ा सॉर होते हैं नेचर में, थोड़ा खट्टा टेस्ट होता है इनका। व्हेन वी टॉक अबाउट सोप, सोप जो आप नॉर्मल सोप यूज करते हैं, कभी आपने देखा होगा इफ यू टच दैट सोप आपको स्लिपरी लगता है। एंड समटाइम्स मेरे साथ भी हुआ, मेरे साथ तो हुआ है कि मतलब थोड़ा सा सोप मेरे मतलब माउथ में चला गया है तो थोड़ा कड़वा लगता है, बिटर टेस्ट लगता है उसका, थोड़ा फीका सा बिटर टेस्ट होता है उसका। नेक्स्ट इज सॉल्ट, टेबल सॉल्ट, हमें सॉल्टी टेस्ट, हमें सॉल्ट से ही पता चला है सॉल्टी टेस्ट क्या होता है, सॉल्टी है या नहीं है। ओके, सो वी केम अक्रॉस अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स ऑफ दीज टाइप ऑफ थिंग्स दैट आर एसिड बेसिस इन सॉल्ट। ओके, तो यहीं से हम एसिड बेसिस और सॉल्ट को डिफाइन करते हैं, जो बहुत पुरानी हमारी डेफिनेशन चली आ रही है एक टर्म को डिफाइन करने के लिए, द सब्सटेंस विच आर सॉर इन टेस्ट। वो सब्सटेंस जो सॉर होंगे टेस्ट में, दीज आर एसिड्स। बेसिस क्या होंगे? बिटर टेस्ट एंड स्लिपरी इन नेचर, थोड़ा सा स्लिपरी होता है, स्लिपरी इन नेचर। नेक्स्ट आपका आता है सॉल्ट, आपके सॉल्टी नेचर, सॉल्टी होते हैं, ठीक है। इनके बारे में हम, सॉल्ट के बारे में हम डिस्कस लास्ट में करेंगे, बाद में डिटेल में। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट एसिड एंड बेसिस ओनली, एसिड विच आर सॉर इन टेस्ट, बेसिस विच आर बिटर इन टेस्ट। ओके, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल ऑफ एसिड, सिट्रिक एसिड प्रेजेंट इन लेमन, लेमन में प्रेजेंट होता है, लेमन में, ऑरेंज में। एसिटिक एसिड प्रेजेंट इन विनेगर, जो आप विनेगर यूज करते हो उसमें प्रेजेंट होता है एसिटिक एसिड। ओके, दीज आर सोर इन टेस्ट, बिटर टेस्ट एंड स्लिपरी इन नेचर। हम एग्जांपल लिख देते हैं NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। This base we commonly use to make the to prepare the soap. NaOH को हम basically use करते हैं soap को prepare करने के लिए. Okay, so these are the some example of acid and base that we can touch easily and say that they are sour in taste or not. NaOH को हाँ इतना हम touch करके नहीं ले सकते, it will be harmful for us. Okay, तो ये simple definition है जो बहुत पुरानी चली आ रही है sour taste और bitter taste का acid के, but all the acids and all the acids cannot be tasted and all the bases cannot be touched or tasted. आप सभी bases को taste या touch करके नहीं बता सकते, सारे acids को हम touch करके नहीं बता सकते, because some are corrosive in nature, harmful होते हैं हमारे लिए. So we have to deviate from this definition. कौन सी definition? That acid are sour in taste and bases are bitter in taste. हमें इससे थोड़ा सा deviate होना पड़ेगा, और डेविएट होने के लिए हम आते हैं एक और एग्जाम्पल्स में, आपको मैं आपको बताती हूँ एसिड और बेस की एग्जाम्पल, एसिड बेस। ओके, चलिए मैं एक और एग्जाम्पल मैं आपको देखती हूँ, HCl, बहुत बार हमने सुना है हाइड्रोक्लोरिक एसिड,
H2SO4 sulfuric acid. Base NaOH. Sodium hydroxide KOH. Potassium hydroxide NH4OH. Ammonium hydroxide. We know the name of these compound very well. हमें नहीं पता basic चाहिए क्या है acid है base है. But we are familiar with the name of these compound. That what HCl हमने बहुत बार सुना है. H2SO4 सुना है. Now look at the common thing that are present in this. यहाँ पर H है. यहाँ पर H है. These are different. यहाँ पर OH है. यहाँ पर OH है. यहाँ पर OH है. बाकी सारा different है. Okay. Can you able to see the common terms here? ये HH common है. ये OH common है. यहीं से acid का definition आता है. Substance which have H plus ion present in it. H plus ion means hydrogen ion. और base को हम बोलते हैं OH minus ion means hydroxyl ion. क्या present होना चाहिए? If the substance have hydroxide. If the substance have hydrogen or H plus ion, it is said to be acid. If a substance has OH minus ion, then it is said to be base because we are talking about the chemistry and we deal with the chemical reaction. और chemical reaction जहां आती है वहां पर species या ions की बात तो होगी ही होगी. तो if this hydroxide ion, hydroxide and this is hydrogen ion अगर आपका present है, H plus tends to confirm the presence of acid and OH minus confirm the presence of base. तो ये आपकी नई definition होगी acids and bases की. I hope the definition is clear to you with some example. Okay. अब मैंने आपको बोला some bases are corrosive in nature, some are not. Some acids are corrosive in nature, some are edible acids. Like हम acetic acid हम vinegar में present होता है, citric acid lemon में होता है. तो बहुत सारे acids हैं that are edible in nature. मतलब आप उन्हें easily inhale कर सकते हैं. But some are not. Like HCl, H2SO4, you cannot even touch these acids. आप touch तक नहीं कर सकते. Edible, इनकी edibility की बात तो बहुत दूर तक है. You cannot even touch these type of acids because they are so corrosive in nature. तो यहीं से हमें पढ़ना है what are the different types of acid and base. So let us continue the topic types of acids and bases. ठीक है, मैं पहले types of acid आपको बताती हूँ. Types of acids. Basically acids are categorized on in different categories on the basis of different aspects. Means अलग अलग तरीके लेकर हमने acid और bases को classify किया है. जैसे फर्स्ट हम बात करते हैं, अगर ए टाइप की बात करूं तो अकरेंस के बेसिस पर. किसके बेसिस पर? अकरेंस के बेसिस पर एसिड इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी. फर्स्ट इज ऑर्गेनिक एसिड एंड सेकेंड वन इज मिनरल एसिड या फिर हम इनको इनऑर्गेनिक एसिड भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? इनऑर्गेनिक एसिड. ऑर्गेनिक एसिड्स को हम नेचुरल, जो हम नेचुरल भी बोलते हैं. मतलब मैंने बोल दिया है ऐसे ही एसेज. अब आप नेचुरल मैंने इसे लिखा थोड़ा याद हो जाए आपको. नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस से जो एक्सट्रैक्ट आउट हो सके. द एसिड विच कैन बी एक्सट्रैक्ट आउट फ्रॉम द नेचुरल सब्सटेंस दीज आर नोन एज ऑर्गेनिक एसिड. एंड द एसिड विच कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिनरल्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड. मिनरल्स से या फिर इनऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे हाइड्रोजन, क्लोरीन, सल्फर, इन सब चीजों का यूज करके, मिनरल्स का यूज करके जब आप एसिड प्रिपेयर करो दैट इज मिनरल वन. एंड इफ एसिड इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द नेचुरल सोर्सेज दीज आर नोन टू बी ऑर्गेनिक एसिड. लाइक सिट्रिक एसिड का सोर्स होता है लेमन एंड ऑरेंज. सिट्रिक एसिड का क्या है सोर्स? लेमन एंड ऑरेंज. तो ये नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस है या नेचुरल सोर्स हो गया. वो आप कोई मिनरल यूज नहीं कर रहे, नेचुरली इसे एक्सट्रैक्ट आउट कर रहे हो. विनेगर में एसिडिक एसिड प्रेजेंट होता है. तो एसिडिक एसिड का सोर्स हो गया आपका क्या? विनेगर. सो द एसिड विच कैन बी इजिली एक्सट्रैक्ट आउट फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्सेज आर ऑर्गेनिक. आपके एग्जाम्पल इसके क्या हो गए? जैसे आपका एसिडिक एसिड हो गया, सिट्रिक एसिड हो गया, मैलिक एसिड हो गया. ओके, तो दीज आर लैक्टिक एसिड. मिल्क में प्रेजेंट होता है, कर्ड में लैक्टिक एसिड. तो वो आपका सारा कहां आ गया? ऑर्गेनिक एसिड्स में आ गया. मिनरल एसिड कौन से होंगे? जैसे HCl, ओके, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड. दीज आर और भी बहुत सारे, दीज आर इनऑर्गेनिक एसिड. और ऑर्गेनिक एसिड में क्या आएंगे? एसिटिक एसिड. एसिडिक एसिड हो गया, सिट्रिक एसिड हो गया, मैलिक एसिड हो गया. सो ये सारे एसिड्स आप नेचुरल सोर्स से ऑब्टेन करते हैं. तो दीज ऑल आर ऑर्गेनिक एसिड. देयर इज अ होमवर्क फॉर यू. आपको आप
बुक अगर आपके पास होंगी, इफ यू ट्राई टू फाइंड आउट देन यू हैव टू राइट डाउन एटलीस्ट सेवन ऑर्गेनिक एसिड्स आपको लिखने हैं, उनका सोर्स लिखना है. सेवन ऑर्गेनिक एसिड और उनका सोर्स क्या प्रेजेंट है, वो एसिड किस में प्रेजेंट होता है, वो चीजें आपको लिखनी है खुद से. सो दिस इज फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस. ठीक है, अकर कैसे करते हैं वो, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सट्रैक्शन, किस चीज से एक्सट्रैक्ट आउट किए जाते हैं. चलिए हम सेकेंड आते हैं. सेकेंड आप आते हैं स्ट्रेंथ या नेचर. नेचर की हम बात कर देते हैं. नेचर के बेसिस पे अगेन टू कैटेगरीज में डिवाइड है, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड. स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड. ठीक है, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ जिसमें हो दैट इज स्ट्रॉन्ग, कम स्ट्रेंथ हो दैट इज वीक. यहां पर हम केमिकल्स की बात कर रहे हैं. स्ट्रॉन्ग का मतलब जो ज्यादा इफेक्टिव हो, वीक का मतलब जो कम इफेक्टिव हो. इफ यू सी दिस एसिटिक एसिड, मैलिक एसिड, मैंने क्या कहा, दीज आर द एडिबल एसिड, तो आप ये सोच सकते हो दैट दीज एसिड आर नॉट मच इफेक्टिव, मतलब हमारी हेल्थ के लिए ज्यादा ये हार्मफुल नहीं है ये एसिड, इनकी स्ट्रेंथ इतनी नहीं है कि आपकी बॉडी को हार्म करे. बट इफ यू टॉक अबाउट द मिनरल एसिड, दे आर हार्मफुल फॉर अस. मिनरल एसिड्स क्या होते हैं, कॉरोसिव होते हैं, दी ऑर्गेनिक एसिड्स आर नॉन कॉरोसिव इन नेचर. तो यहीं से हम कुछ आइडिया लेके स्ट्रॉन्ग और एसिड को और वीक एसिड को थोड़ा सा डिवेट करते हैं अपना केमिकल टर्म में. बट जनरली मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड. जनरली ऐसा होता है, ऑर्गेनिक एसिड्स ही वीक एसिड्स होते हैं और मिनरल एसिड्स क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड. बट देयर इज अ केमिकल प्रोसेस दैट विल डिटरमाइन वेदर द एसिड इज वीक और स्ट्रॉन्ग. तो हम देखते हैं वो आपका क्या है. ठीक है, अब देखिए, चलिए मैं आप यहाँ पे लिखती हूँ स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक का. स्ट्रॉन्ग एसिड एंड आई हैव राइट हियर वीक एसिड. ओके, मैंने आपसे कहा द एसिड विच आर हैविंग एच प्लस आयन इन इट. तो अगर आप HCl देखो, HCl में एच प्लस आयन क्यों प्रेजेंट है, बिकॉज इसमें एच प्लस है एंड Cl माइनस है. और मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एच प्लस एंड Cl माइनस आयन. HCl इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एच प्लस एंड Cl माइनस आयन, इट हैव एच प्लस इन इट, दैट्स व्हाई इट इज एन एसिड. ओके, तो ये एसिड हो गया. अब वीक एसिड के लिए चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, आप खुद ही डिफरेंस मुझे बताइएगा. CH3CO नेगेटिव प्लस एच पॉजिटिव, वट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस रिएक्शन. एच प्लस यहां भी है, एच प्लस यहां भी है, बट इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड बट इट इज अ वीक एसिड. नाउ जस्ट लुक एट द रिवर्सिबल साइन. चैप्टर फर्स्ट में वी आर ऑलरेडी टॉक अबाउट द रिवर्सिबल रिएक्शन, वहां पे वो डबल एरो इस तरीके से लगा होता है. मैं इस तरीके से चले लगा दू, एक ही लाइन में इस तरीके से डबल एरो है. दिस विद द CH3COH कन्वर्ट टू CH3CO माइनस प्लस एच प्लस एंड इट कैन अगेन कन्वर्टेड बैक टू CH3COH. रिवर्सिबल रिएक्शन यही तो होती है, मीन्स कभी कंप्लीट नहीं होंगी, जितना प्रोडक्ट बनेगा उतना ही वापस से क्या बन जाएगा, रिएक्टेंट भी बन जाएगा. या फिर मैं ये कह सकती हूँ यहाँ पर दैट इन दिस एसिड एच प्लस आर नॉट, दिस एसिड इज नॉट कम्प्लीटली आयनाइज्ड टू गिव एच प्लस आयन. आयनाइज का मतलब आयन्स में कन्वर्ट हो जाना, कम्प्लीटली आयनाइज नहीं है या पार्शियल आयनाइज का मतलब मैंने क्यों बोला, बिकॉज आप देख रहे हो ये एच प्लस में एच प्लस आयन बन तो रहा है, बट दिस एच प्लस अगेन कंबाइंड विद दिस आयन टू गेट गिव बैक द एसिडिक एसिड. दिस इज एसिडिक एसिड, इट मीन्स रिएक्शन तो हुई, एच प्लस रिलीज भी हुआ, बट ड्यू टू द नेचर ऑफ दिस रिएक्शन वो एच प्लस दोबारा से इस नेगेटिव आयन के साथ कंबाइन होकर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CH3COH. सो हियर इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रॉन्ग एंड एसिड एंड वीक एसिड. स्ट्रॉन्ग एसिड मीन्स द एसिड विच आर कंप्लीटली आयोनाइज टू गिव एच प्लस आयन, मीन्स कंप्लीट. देखो एक ही तरफ एरो है, एक ही तरफ रिएक्शन जा रही है, मतलब इधर अगर कोई पर्सन आपका खड़ा है, ठीक है, आप सपोज करो एक पर्सन है, ठीक है, उसे एक लेक है, उसे लेक को पार करके दूसरी साइड में जाना, ही जस्ट टेक द हेल्प ऑफ द बोट और वो उधर चला गया, उधर से वापस आने के लिए कोई बोट नहीं है, मतलब उधर हमेशा के लिए चला गया. ये एग्जाम्पल देखिए, HCl H+ में ब्रेक हो गया, हमेशा के लिए ब्रेक हो गया, वापस से कंबाइन होकर HCl नहीं बन रहा. लेकिन यहाँ पर क्या क्या कंडीशन है, जाने के लिए भी बोट है और आने के लिए, वापस आने के लिए भी बोट है, मींस अगर वो इजिली वापस भी आ सकता है तो इसलिए यहाँ पर जो H+ है ये वापस किस में बन सकता है, CH3COH में. दैट्स व्हाई द एसिड इन विच द एसिड विच आर कंप्लीटली आयनाइज्ड टू गिव H+ आयन आर स्ट्रॉन्ग एसिड.
The acids which are incompletely ionized or partial ionized are known as to be weak acids. So this is the difference between strong acid and weak acid. चलिए नेक्स्ट हम आते हैं बेटा, एक और है थर्ड आपका आता है वाटर अमाउंट के बेसिस पे. इट डजंट मैटर यू आर टेकिंग एन ऑर्गेनिक एसिड, मिनरल एसिड, यू आर टेकिंग अ वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड, इट डजंट मैटर टू अस. हम सिर्फ हम ये जो एसिड है ये सिर्फ किस पे डिपेंड करते हैं, वाटर के अमाउंट के ऊपर डिपेंड करेंगे. जैसे एक होता है डाइल्यूट एसिड और एक होता है कंसेंट्रेटेड एसिड. कंसेंट्रेटेड एसिड, यू आर वेरी वेल अबाउट द टर्म कंसेंट्रेशन. ज्यादा कंसेंट्रेट सॉल्यूशन होने का मतलब क्या है, उसमें सॉल्यूट का ज्यादा होना है. यानी कंसेंट्रेटेड एसिड का मतलब क्या है, उसमें एसिडिक कंटेंट ज्यादा है. डाइल्यूट एसिड दिस कंपाउंड विच कंटेन मोर एसिड विच कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इन इट. और कंसेंट्रेटेड एसिड का मतलब विच कंटेन लेस अमाउंट ऑफ वाटर इन इट. सपोज करो कैसे, मेरे पास 10 ml HCl था और यहाँ पर भी मेरे पास 10 ml HCl है. मैंने यहाँ पर उसमें 100 ml वाटर ऐड किया और यहाँ पर मैंने उसमें 5 ml या 10 ml वाटर ही ऐड किया. Now which will contain more amount of water? The upper one, इसमें ज़्यादा है, तो it is said to be dilute and it is said to be concentrated. Same I can take the example of acetic acid also. इसलिए मैंने कहा the dilute and concentrated does not deal with the weak or strong nature. They just depend on the amount of water. जिसमें ज्यादा water होगा that is dilute. जिसमें ज्यादा कम water होगा that is concentrated. So this is about the type of acid. अब हम next देखते हैं type of bases. टाइप ऑफ बेसिस. बेसिस को हम मिनरल ऑर्गेनिक बेसिस में डिफाइन नहीं करते, हम सिर्फ देखते हैं स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस. डेफिनेशन वही हो गई. देखिए मैं आपको लिख के बताती हूँ. NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड. अब आप डिफरेंस देखिएगा, बेसिस क्या होते हैं विच विल गिव हाइड्रोक्साइड आयन और वीक बेस में आपका आ जाएगा NH4OH. अब आप देखिएगा आपको ये वीक बेस में क्यों आया, because of this double arrow. This NaOH sodium, the bases which are completely ionized to give hydroxide ion are known as strong base, and the bases which will partially ionized to give OH minus ion are known as weak base. This is ammonium hydroxide. दूसरा आपका ऐसे ही concentrated base और dilute bases होंगे. Dilute means ज्यादा amount of water, concentrated means less amount of water. So this is about the type of acid and base. I hope that it is clear to you. Types of acid and bases. Now, अब मैंने आपको बोला यू कैन नॉट टच और टेस्ट एवरी सब्सटेंस दैट वेदर इट इज एसिड और बेस. उसके लिए मैंने आपको दूसरा डेफिनेशन बताया, द सब्सटेंस विच कंटेन एच प्लस आयन एंड द सब्सटेंस विच कंटेन ओ एच माइनस आयन आर नोन टू बी एसिड एंड बेसिस इसके अकॉर्डिंग. बट प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है अगर मैंने आपको लैब में एक सोल्यूशन दे दिया, ठीक है, एंड आई यूज टू से दैट जस्ट आइडेंटिफाई इट इज एसिड बेस और न्यूट्रल. न्यूट्रल बेस ना तो एसिड है ना बेस है, आप कैसे करोगे. अब मैंने कहा है आप उसे टच कभी किसी भी केमिकल को, हम वी नेवर यूज टू टच एनी केमिकल इन द लैब विदाउट द परमिशन ऑफ द टीचर और विदाउट द असिस्टेंट ऑफ द टीचर. ठीक है, जो कोई भी लैब असिस्टेंट हो या टीचर से पूछे बिना या उनकी इंस्ट्रक्शन के बिना आपको कुछ भी कभी टच नहीं करना होता है लैब में. Because there are lots of corrosive chemicals are there. अब मैंने आपको दिया, ठीक है, आपको तो वो डेफिनेशन याद है, सॉल्ट टेस्ट है या स्लिपरी होगा देख लेते हैं, बट इट मे कॉज हार्म टू यू ना, तो इसलिए आप टच करके या टेस्ट करके तो नहीं देखोगे. तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, आप कहोगे इसमें एच प्लस आयन होगा तो ये एसिड होगा. आप कैसे पता चलेगा एच प्लस आयन है या नहीं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं इंडिकेटर्स. बहुत ही सिंपल सब्सटेंस है, हम क्या यूज करते हैं इंडिकेटर्स. इंडिकेटर्स एज अ नेम इम्प्लाइज कुछ इंडिकेट करना, और हम यूज किसके लिए कर रहे हैं, टू आइडेंटिफाई द एसिड एंड बेस. सो इंडिकेटर्स क्या हो गए, इंडिकेटर्स आर द सब्सटेंस दैट आइडेंटिफाई वेदर द सब्सटेंस गिवन टू यू इज एसिडिक और बेसिक. तो इंडिकेटर्स आपके हो गए, इंडिकेटर्स आपके हो गए आइडेंटिफाई एसिडिक एंड बेसिक सब्सटेंस. ये क्या आइडेंटिफाई करते हैं, एसिडिक एंड बेसिक सब्सटेंस. किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं, ये आइडेंटिफाई करते हैं बाय चेंजिंग देयर कलर, बाय द कलर चेंज और बाय द
ऑर्डर, ठीक है। दो चीजें से हमें हो जाता है, बाय चेंज इन कलर कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, या तो कलर में चेंज हो या फिर ऑर्डर मीन्स स्मेल में चेंज हो, चेंज इन ऑर्डर। और इन इंडिकेटर्स को हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर भी कहते हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, इनका एक स्पेशल नेम है, एनसीईआरटी में बहुत मेंशन है ये कहीं पर। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स होते हैं ये आपके, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स आर द सब्सटेंस व्हिच चेंज देयर ऑर्डर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस। अपने ऑर्डर को चेंज कर लेते हैं एसिड और बेसिस के प्रेजेंट में। इसका मैं एग्जाम्पल आपको देती हूँ, अनियन। अनियन इज एन ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। क्लॉव ऑयल, क्लॉव ऑयल लौंग का तेल जो होता है, लौंग ऑयल जबकि लौंग होती है आपने सुना होगा, या फिर वनीला, वनीला ऐसे सुना है वही वनीला। दीज थ्री आर द ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। तो हमें तो सिर्फ इनका ऑर्डर वगैरह कुछ नहीं पढ़ना है, वी जस्ट हैव अ आइडिया अबाउट द ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, द इंडिकेटर विच चेंज देयर ऑर्डर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक और बेसिक सम सब्सटेंस। ये तीन इनके एग्जाम्पल है, ऑनियन ऑयल, क्लॉव ऑयल एंड वनीला। ओके, सो दीज, अब हमें जो डिटेल में स्टडी करना है, वी हैव टू डिस्कस अबाउट दीज इंडिकेटर दैट विल आइडेंटिफाई द एसिडिक एंड बेसिस बाय शोइंग द चेंज इन कलर। तो इंडिकेटर्स के भी बेसिकली दो टाइप होते हैं, एक आपका होता है नेचुरल और एक आपका होता है सिंथेटिक। नेचुरल एंड सिंथेटिक इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होते हैं? नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं द इंडिकेटर्स विच विल बी एक्सट्रैक्टेड आउट फ्रॉम एनी प्लांट और फ्लावर पेटल्स, किसी भी नेचुरल सोर्स से जो एक्सट्रैक्ट आउट करे, दैट इज द नेचुरल इंडिकेटर। सिंथेटिक द इंडिकेटर विच आर प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग द सिंथेटिक मटेरियल, जो आपके केमिकल्स हो गए या मिनरल्स हो गए, सिंथेटिक मटेरियल को यूज करके जो बने, दीज आर द सिंथेटिक इंडिकेटर नेचुरल दैट कैन बी एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है लिटमस, लिटमस, और लिटमस को हम एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं लाइकन, लाइकन या लिचन भी बोलते हैं, बोथ द प्रोनाउंसिएशन आर देयर, लाइकन और लिचन। तो ये आपका एक एल्गे का फॉर्म होता है, ये आपका, उससे हम एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं किसको, लिटमस इज एन इंडिकेटर। नेक्स्ट आपका आता है टर्मरिक, हल्दी जो होती है, इट इज ऑल्सो एक्ट एज अ इंडिकेटर। आपने देखा होगा जब कोई स्टेन हो जाता है टर्मरिक का, कोई भी आपके क्लोथ पे कोई स्टेन लग जाता है टर्मरिक का, हम वॉश करते हैं क्लोथ को बाय यूजिंग द सोप और डिटर्जेंट। सोप में क्या प्रेजेंट होता है, बेस। तो आपने देखा होगा जब आप टर्मरिक के स्टेन को आप सोप से वॉश करते हो, दैट विल कंटेन द बेस इन इट, तो उसका जो कलर है दैट विल बिकम रेड। आपने बहुत देखा होगा, तो नॉर्मली जो टर्मरिक है जब आप उसे सोप के आप डिश, हम जो जो आपके से है जो किचन में जब हम डिश वॉश करते हैं, तो वहां पर आपने देखा होगा जिस भी आपके बॉल में हल्दी का कोई स्टेन होगा, आप उसमें सोप डालो, वहां रेड कलर आपको दिखेगा, बिकॉज टर्मरिक एक नेचुरल इंडिकेटर है, विच चेंज इट्स कलर टू रेड इन प्रेजेंस ऑफ बेस। तो इस तरीके से टर्मरिक एक नेचुरल इंडिकेटर है। और कौन सा आपका नेचुरल इंडिकेटर है, चलिए, और कोई याद है आपको नेचुरल इंडिकेटर, पता है नेचुरल इंडिकेटर का और कोई टाइप, चाइना रोज, फ्लावर से एक्सट्रैक्ट आउट होता है चाइना रोज, रेड कैबेज, रेड कैबेज आती है ना गोभी रेड कलर की, वो भी इंडिकेटर की तरह एक्ट करती है। सो दीज ऑल आर द नेचुरल इंडिकेटर। सिंथेटिक पे आते हैं हम, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज इज सिंथेटिक इंडिकेटर। नेक्स्ट आता है फिनोफ्थलीन, वैसे तो फिनोल्फथलीन होता है बट ये साइलेंट होता है, इसे हम बोलते हैं फिनोफ्थलीन, फिनोफ्थलीन इंडिकेटर। सो दीज टू आर द सिंथेटिक इंडिकेटर। तो ये नेचुरल है और ये आपका सिंथेटिक इंडिकेटर है। जो आपका लिटमस है, लाइकन जो है, वो जो उसका मतलब नेचुरल कलर होता है, दैट इज द पर्पल कलर डाई। किस कलर का होता है, पर्पल कलर डाई होता है लिटमस, बट हम अपने सब्सटेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए उसे अलग अलग कलर में चेंज करते हैं, ब्लू कलर का बनाते हैं और रेड कलर का लिटमस बनाते हैं। मीन्स लिटमस इज प्रेजेंट इन द टू कलर, ब्लू और रेड, और उनका वेरिएशन शो होता है चेंज कलर का। तो लिटमस का जो और जो एग्जैक्ट कलर होता है, जो नेचुरल होता है, इट इज अ पर्पल कलर डाई एंड दैट इज मॉडिफाइड टू रेड एंड ब्लू कलर फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एसिड एंड बेस। टर्मरिक आपको पता है, टर्मरिक इज
येलो इन कलर। और अगर आप चाइना रोज की बात करो तो जो आपका चाइना रोज का जो नेचुरल कलर होता है दिस इज लाइट पिंक इन कलर। चाइना रोज आपका लाइट पिंक कलर का होता है। सिंथेटिक मिथाइल ऑरेंज है, नेम इंप्लाई थोड़ा सा ऑरेंज कलर होगा। फिनोक्लीन कलरलेस, इसका खुद कलरलेस होता है, बट एसिड और बेस में ये अलग अलग तरीके के कलर से क्या करता है, आइडेंटिफाई सब्सटेंस को आइडेंटिफाई करता है, वेदर दीज आर एसिडिक और बेसिक। सो आई होप दैट दीज टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स आर क्लियर टू यू। अब चलिए हम बताते हैं इंडिकेटर काम कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए मैं लिटमस लेती हूँ। यहां मैंने ले लिया इंडिकेटर, यहां मैंने लिख दिया कलर। इंडिकेटर का क्या कलर है? कलर इन एसिड, एसिड में कैसा कलर होगा, और दूसरा आपका कलर इन बेस। ओके, तो ये आपका सबसे पहले हम लिटमस की ही बात करते हैं। लिटमस दो फॉर्म में होता है, एक होता है ब्लू, एक होता है रेड। ब्लू एंड रेड दो टाइप का लिटमस है। इफ वी विल टेक ब्लू लिटमस सॉल्यूशन एंड ऐड एसिड टू इट then it will change its color to red. आपने ब्लू कलर का litmus solution लिया है और आपने उसमें acid के drop add किए हैं, then blue color changes to red. Color and base no change. अगर base में आप add करोगे तो कोई change नहीं होगा। Red का आप देखते हैं, red litmus red ही रहेगा acid में, but red किसमें change? Red changes to blue in the presence of base. Blue base का color है, blue किसका color है? Base का color है। तो ब्लू ही आ रहा है, मींस रेड तो रेड उसका एसिड में नो चेंज होगा, बट बेसिस में किस में चेंज हो जाएगा? ब्लू कलर। इट इज ऑफ ब्लू कलर। आई होप दैट दिस इज क्लियर टू यू। ओके, इफ यू विल टेक डिस्टिल्ड वाटर, अगर आप डिस्टिल वाटर में ऐड करोगे तो भी ऐसे ही रहेंगे। डिस्टिल वाटर में रेड रेड रहेगा, ब्लू ब्लू रहेगा। चलिए नेक्स्ट अब हम देखते हैं टर्मरिक। टर्मरिक का जो कलर होता है दैट इज येलो। एसिड के लिए हम इसे यूज नहीं करते बिकॉज नो चेंज शोन बाय दिस, बट बेस में ही किस कलर का हो जाता है? रेड कलर का। तो बेसिस में किस कलर का हो गया? ये रेड कलर का। सो ऑन द बेसिस ऑफ दीज चेंजेस वी कैन इजिली से अबाउट द वेरिएशन इन कलर। हमें इजिली पता चल जाएंगे कि कौन सा कलर किस में चेंज हुआ है। तो अब आपने टेबल कंप्लीट करनी है, आई विल शेयर द टेबल विद यू इन द फॉर्म ऑफ नोट्स। पूरा टेबल जो है सारे इंडिकेटर्स का मैंने लिख दिया है। सो आई होप दैट व्हाट वी हैव डिस्कस्ड टुडे, वी हैव डिस्कस्ड टुडे अबाउट द एसिड एंड बेसिस। थोड़ा सा हमने इनके बारे में डिस्कस किया है, बस जनरल एग्जांपल्स देखे हैं दैट वी यूज्ड इन आवर डेली लाइफ। एसिड्स क्या होते हैं, सॉल और बिटर के अलावा कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे एसिड और बेसिस को, क्या क्या टाइप, किस किस बेसिस पे एसिड और बेसिस को क्लासिफाई किया गया है, कैसे अगर हम टेस्ट करके या टच करके नहीं बता सकते, देन हाउ वी विल यूज टू आइडेंटिफाई द एसिडिक और बेसिक सब्सटेंस। वी विल टेक द हेल्प ऑफ इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स को हमने टू टाइप में कैटेगराइज किया, इंडिकेटर शो द चेंज वेरिएशन इन कलर और द वेरिएशन इन द ऑर्डर। जब आप वो इंडिकेटर्स दैट विल चेंज देयर ऑर्डर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड बेस, दे आर नोन टू बी ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। उनके एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए थे। और जो चेंज इन कलर के बेसिस पे हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया, नेचुरल एंड सिंथेटिक। नेचुरल के एग्जांपल्स कौन कौन से? लिटमस हो गया, चाइना रोज हो गया, रेड कैबेज हो गया, टर्मरिक। और सिंथेटिक में मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोक्लीन और भी होते हैं, बट हमें यही दो देखने हैं, मिथाइल ऑरेंज आपका फिनोक्लीन। सो आई होप दैट टुडे इन टुडेज क्लास ऑल द थिंग्स आर क्लियर टू यू। फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट विद द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस। जो हमें एसिड और बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है डिटेल में, दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।